कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। लगता है कि राम जी की कृपा सचमुच मुझ पर आए, क्योंकि मैं आ गई हूँ अयोध्या राम जी की दर्शन करने। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में आपका स्वागत है। जय श्री राम। रामायण तो हम सब ने कभी न कभी देखी, सुनी या पढ़ी होगी। वाल्मीकि जी ने अराउंड 5th सेंचुरी में रामायण की रचना की थी और आज भी ये कथा दुनिया भर के भक्तों के दिल में जिंदा है। और रामायण से जुड़ी कई सारी प्लेसेस आज भी एग्जिस्ट करती है इंडिया में, और इनमें से कुछ उत्तर प्रदेश में है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं उत्तर प्रदेश की रामायण सर्किट। शुरुआत करते हैं अयोध्या से। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और देश के 7 पवित्र स्थानों में से एक है। श्री राम ने अपना बचपन यहाँ बिताया है। हर साल यहाँ लाखों डिवोटीज आते हैं, बट रिसेंटली यहाँ राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ है। साथ ही साथ काफी सारे डेवलपमेंट हुए हैं। एक नया वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट भी बनाया गया है, मेकिंग दिस सिटी इजीली एक्सेसिबल फॉर एवरीवन टू ट्रैवल। रॉयल पाम इन इज अमंग द मोस्ट प्रेफर्ड बजट होटल्स इन अयोध्या फॉर बोथ बिजनेस ट्रैवलर्स एंड टूरिस्ट सीकिंग अ कंफर्टेबल स्टे। मैं हो गई हूँ तैयार इस खूबसूरत सिटी को देखने के लिए। राम तो सबके दिल में बसते हैं और मेरे तो नाम में भी, एली अब्राम। कहते हैं कि राम जी के दर्शन करने से पहले वन मस्ट विजिट हनुमान गढ़ी, और हनुमान जी के दर्शन करना ही चाहिए। पवन पुत्र हनुमान की जय। लेकिन हनुमान जी का आशीर्वाद लेना इतना आसान नहीं है। आपको 76 स्टेप्स चढ़ने पड़ेंगे टू रीच दिस ब्यूटीफुल टेंपल। कितना भीड़ है। जय श्री राम। कितने लोग खड़े रहे ना लाइन में हनुमान जी टेंपल जाने के लिए। वाओ, व्हाट एन एक्सपीरियंस। ओ माय गॉड, कितने लोग खड़े उधर। पवन पुत्र हनुमान की जय। ये वही जगह है जहां हनुमान जी रावण को हराने के बाद वापस आए हैं राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ, और यहीं पर रह रहे हैं।
और आपको पता है इस टेंपल की सबसे खास बात क्या है? Well, the walls of the temples are inscribed by Hanuman Chalisa और Chaurasia. Interesting ना? किस किस को Hanuman Chalisa आता है? कमेंट्स पर बताइए. जय श्री सीताराम. जब भगवान राम जाने लगे यहाँ से, सारी अयोध्या भगवान राम के साथ पीछे पीछे जाने लगी. तो यहाँ गुप्तार घाट है, तो गुप्तार घाट में जैसे सरयू जी में डुबकी लगाते थे तो सबको चार भुजाएं हो जाती थी. तो हनुमान जी ने भगवान राम से कहा, प्रभु मैं यहीं रहना चाहता हूँ. तो भगवान के सारी अयोध्या हमारे साथ जा रही है, आप यहाँ क्यों रहना चाहते हो? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं आपका कथा कीर्तन सुनना चाहता हूँ. प्रभु चरित सुनबे को रसिया, मैं आपका कथा कीर्तन सुनना चाहता हूँ. तो वहाँ केवल आपका दर्शन होगा, कोई कथा कीर्तन नहीं सुनाएगा, तो मैं आपका यह सुनना चाहता हूँ. तो यहाँ हनुमानगढ़ी में भगवान राम हनुमान जी को राजा के रूप में बैठाए. जैसे हम आप बैठते हैं पलथी मार के, उसी प्रकार हनुमान जी महाराज यहाँ राजा के रूप में बैठे हुए. तो पहले हनुमानगढ़ी, इसके बाद श्री राम जन्मभूमि है. पहले आप हनुमान जी से परमिशन मिल गई, अब चलते हैं राम जी के दर्शन करने. आप मंदिर के अंदर फुटवेयर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और बैग्स कुछ भी नहीं लेकर जा सकते हैं. एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट यू कांट इवन टेक एनी ऑफरिंग विद यू फॉर राम जी. एंड आई मस्ट से द मंदिर अथॉरिटी हैज डन अ ग्रेट जॉब टू प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर डिवोटीज. कम से कम यहाँ 8,000 लॉकर्स है टू कीप सेल फोन्स एंड शूज. यहाँ 7 ऑटोमेटिक लगेज एक्सरे स्कैनर्स भी है और चारों तरफ कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ द डिवोटीज. वाह, कितना भीड़ है यहाँ पे. लगता है बहुत सारे राम जी के भक्त लोग हैं, सब एकदम एक्साइटेड है. मैंने सुना है कि और 2.5 साल लगेगा पूरा कंप्लीट होने में, तब मतलब और मज़ा आएगा टू सी द फाइनल लुक. बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू एंटर, मतलब मुझे बस अभी अंदर ही जाना है. लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अंदर भी कितना लोग रहेगा. वाओ, कितना सुंदर है ये टेंपल और उतनी ही सुंदर राम जी की छवि है. सच कहा गया है, राम की अयोध्या, राम मंदिर और राम जी की स्थापना से हुई पूरी. ये नगर स्टाइल में बना राम मंदिर लगभग 380 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ी और 161 फीट ऊंचा है. मंदिर 3 मंजिलों पर बनाया जा रहा है. ग्राउंड फ्लोर तैयार है और वहाँ पर भगवान श्री राम यानी राम लल्ला की चाइल्डहुड मूर्ति स्थापित की गई है. दूसरी और तीसरी मंजिल अभी निर्माण में है. 22 तारीख को प्रतिष्ठा थी, आज अयोध्या में लाखों लाख पब्लिक भगवान का दर्शन कर रही है. इसके बाद यहाँ से थोड़ी दूर पर कनक भवन है. कनक भवन महारानी कौशल्या है, महारानी कैकेयी अपने रहने के लिए बनवाई थी. लेकिन जब भगवान राम जी का विवाह हुआ और माता सीता जी अयोध्या में आई तो सब लोगों ने कुछ न कुछ भेंट दिया है. आज भी घर में नई बहू आती है तो मुख देखने के बदले में कुछ उपहार लोग देते हैं. तो माता कौशल्या ने राम जी का हाथ पकड़ करके माता सीता जी को सौंप दिया कि बेटी मेरे जीवन भर की तपस्या राम है, मैं ये देती हूँ. माता सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ के माता सीता जी को सौंप दिया कि बेटी भले मैंने अपने दो बेटे को पैदा किया लेकिन आज से लक्ष्मण पर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा, लक्ष्मण तुम्हारा बेटा है. माता कैकेयी सोचने लगी कि माता कौशल्या ने तो राम को दे दिया, सुमित्रा जी ने लक्ष्मण को दे दिया, मेरे पास कुछ है ही नहीं. लेकिन ये महल विश्वकर्मा द्वारा निर्मित था, सोने का महल था. तो माता कैकेयी ने कहा, बेटी ये महल हमारे योग्य नहीं, तुम्हारे योग्य. तो माता कैकेयी ने मुख दिखाई के बदले में एक कनक महल दे दिया. कुछ दूर पर यहाँ मणि पर्वत है,
यहाँ झूला लगता है सावन में, तो सबसे पहले बताते हैं महाराज दशरथ जी ने इतना दहेज दिया था कि यहाँ मणियों का ढेर समूह लग गया, इसलिए इसका नाम मणि पर्वत है। यहाँ सरयू जी के किनारे नागेश्वर नाथ जी हैं, इधर बगल में क्षीरेश्वर नाथ जी हैं। किस तरह से अयोध्या में तो घर घर मंदिर है, क्योंकि तो प्रमुख मंदिर की है। इस जगह को कहते हैं राम की पैड़ी। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे की कुछ घाट है और कहा जाता है कि राम जी यहाँ स्नान करने आते थे। कहा गया है कि लक्ष्मण जी मेड अप हिज माइंड टू विजिट ऑल द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, सो श्री राम ने सूर्य नदी के किनारे खड़े रहकर कहा कि जो व्यक्ति यहाँ सूर्योदय से पहले आकर इस नदी में स्नान करेगा, he will get the same virtue of visiting all the places of pilgrimage. हमारे सारे परिवार की तरफ से आपको जय श्री राम। जय श्री राम। अयोध्या की यात्रा अधूरी है if you don't take some beautiful souvenirs with you home. राम पैड़ी के पास there is a bustling market जहां आपको अलग अलग key chains, small idols of God, चंदन और काफी कुछ मिलेगा। अयोध्या आकर ऐसा लगता है श्री राम अयोध्या के हर कोने में बसे हैं। हाउ ब्यूटिफुल दिस सिटी इज। और नियर राम मंदिर ने राम की अयोध्या को चार चांद लगा दिया। और इसी बात पे मेरी अयोध्या की यात्रा खत्म हुई और हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के रामायण सर्किट के दूसरे स्टॉप पर। प्रयागराज से 40 किलोमीटर दूर अलोंग द प्रयागराज लखनऊ हाईवे लाइस श्रृंगवेरपुर, जिसे रामचूरन भी कहा जाता है। श्रृंगवेरपुर धाम इज नॉट ओनली अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रामायण सर्किट बट ऑल्सो अ वेरी सीरीन एंड डिफाइन प्लेस टू विजिट। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दिस प्लेस। श्रृंगी ऋषि महाराज बाबा हैं, जो कि इनका जन्म हिरणी के गर्भ से हुआ है और आज भी दो सींग विद्यमान हैं श्रृंगी ऋषि महाराज के। इन्हीं के नाम से हमारा श्रृंगवेरपुर धाम नाम पड़ा, श्रृंगी ऋषि महाराज जी के नाम से। और इन्हीं के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्म भी हुआ। जब राजा दशरथ का चौथा पल लग गया, राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, तब उनके गुरु महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, यदि आप श्रृंगवेरपुर धाम जाते हैं, वहां से श्रृंगी ऋषि महाराज बाबा को लेके आते हैं, जो कि अयोध्या में यज्ञ करवाएंगे, और पुत्रेष्टि यज्ञ तीनों लोकों में कोई नहीं जानता था सिवाय श्रृंगी ऋषि महाराज बाबा के। तो यही महाराज जी गए अयोध्या जी, वहां पर पुत्र कामना यज्ञ करवाए, तब जाकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का जन्म हुआ और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का, चारों भाइयों का जन्म हुआ श्रृंगी ऋषि महाराज के द्वारा। बीच वाली माँ शांता मैया हैं, ये राम की बहन हैं, जो कि राम के पहले से थी, जो कि ये दत्तक कन्या है, राजा दशरथ के दत्तक मित्र राजा रोमपाद की कन्या है शांता मैया। इनको गोद लिए थे राजा दशरथ ने। लास्ट में शीतला मैया हैं। और आज भी इस स्थान पे जिन माताओं बहनों का संतान नहीं होता, माँ गंगा जी का 12 पुल में स्नान करके एक लोटा जल अगर श्रृंगी ऋषि महाराज बाबा के चरणों में अर्पण करता है, तो अवश्य संतान की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब भगवान का जन्म इनके द्वारा हुआ, हम आप मनुष्य। ₹5,600 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है ये पार्क में स्थापित की गई है
51 feet high bronze statue of Lord Shri Ram hugging Nishad Raj. This statue gives a message that there was never a feeling of upper or lower caste in India. Social harmony has been a tradition here, and there can be no other greater example of this than Lord Ram. मैं हूँ श्रृंगवेरपुर में और ये जगह के बारे में आपने तो रामायण में सुना होगा। अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिला देती हूँ। ये निषाद राज की वाटिका थी, वही निषाद राज जो फिशरमैन का राजा थे और श्री राम लक्ष्मण और सीता जी यहाँ रुके थे वनवास जाने से पहले। विश्व का सर्वोपरि स्थान श्रृंगवेरपुर धाम है। सीय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई शयन कीन है रघुवंश मणि और पांच पलूटत भाई। भैया लक्ष्मण जी चरण इसी धरती पे दबा रहे हैं और भगवान श्री राम भगवती सीता के साथ यहीं पे शयन कर रहे हैं। यह निषाद राज की वाटिका है। यहाँ का राजा निषाद राज था, रामायण में गोस्वामी जी श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। और यहीं पर त्रेता युग में निषाद राज जी राजा हुए यहाँ के। और जब निषाद राज जी राजा हुए तो भगवान श्री राम को जब अयोध्या से 14 वर्षों का वनवास होता है तो यहीं पर आकर के उन्होंने रात्रि में विश्राम किया। न केवल विश्राम किया, यहीं पर अपना जटाजूट यहीं से बनाए थे, तपस्वी का रूप यहीं पर धारण किया और यहाँ से सुमंत जी को रथ को परित्याग कर दिया। यहीं से वो पद यात्रा भगवान श्री राम ने विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए भगवान श्री राम ने राक्षसों के वध के लिए, रावण के वध के लिए यहाँ से पद यात्रा प्रारंभ की थी। वह श्रृंगवेरपुर धाम है। श्रृंगवेरपुर तो वह स्थल है जिसने दुनिया को सब कुछ दिया। राम जैसा बेटा इस दुनिया को देने का काम अगर किया तो श्रृंगी ऋषि ने किया। उत्तर प्रदेश का रामायण सर्किट घूमकर भगवान राम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानने मिलता है। अयोध्या और श्रृंगवेरपुर के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप है चित्रकूट। चित्रकूट धाम यूपी की रामायण सर्किट का एक इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है और कहा जाता है कि राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने अपने वनवास का सबसे लंबा समय यहीं पे गुजारा है। It is said that they stayed for 11 years. चित्रकूट धाम, situated in the Bundelkhand region of Uttar Pradesh, is one of the famous pilgrimage center of UP. And this divine city is also known as Hill of Many Wonders. यहाँ भगवान राम के वनवास से जुड़ी कई सारी जगह है देखने जैसी। शुरुआत करते हैं लक्ष्मण पहाड़ी से। मैं लक्ष्मण पहाड़ी जा रही हूँ और वहाँ जाने के लिए आपको रोप वे से जाना पड़ेगा जो उधर से शुरू होता है। तो चलिए। ओके, सो दो चीज, एक तो ये पेपर का टिकट नहीं है, ये की कार्ड है जो आप बस खाली टैप करते हो और जैसे आप वापस आओगे आप रिटर्न करेंगे। तो ये मेरे हिसाब से अच्छी बात है क्योंकि हम पेपर वेस्ट नहीं कर रहे। दूसरी चीज़, आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो, विच इज़ अ रिलीफ आई वुड लाइक टू से। वाओ, दिस इज़ सो कूल। So cute. लक्ष्मण पहाड़ी चित्रकूट धाम की एक धार्मिक प्लेस है ये। एंड कहा जाता है दैट लक्ष्मण यूज्ड टू रेस्ट अप हियर एट दिस हिल टॉप और वो यहाँ से राम जी और सीता जी को देखते थे कि मतलब सब ठीक है।
खम्भों को गले मिलने से हर कष्ट बाधा दूर होते हैं, घर परिवार में सुख शांति क्या दूर होता है कष्ट बाधा। वैसे भी मुझे हग्स बहुत पसंद है, so I don't mind doing this. मुझे तो अच्छा लगता है। लक्ष्मण भगवान ने इस स्थान से बैठकर सीता माता की रखवाली किया करते थे और जो भरत मिलाप मंदिर है उसमें राम और सीता माता रहती थी। राम भगवान कामतगिरी पर्वत की पूजा किया करते थे, लोग वगैरह आते हैं कामतगिरी पर्वत का परिक्रमा लगाने, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। और राम भगवान पीछे राम सैया पर्वत है, वहाँ राम भगवान आराम किया करते थे और दिन में यहाँ लक्ष्मण भगवान बैठ के सीता माता की रखवाली किया करते थे। पीछे लक्ष्मण जी के चरण चिन्ह हैं, वहाँ नाइट में ड्यूटी किया करते थे लक्ष्मण भगवान। यहाँ की विशेषता ये है, जहाँ पति पत्नी होते हैं तो देवर का अक्सर थोड़ा दूर होता है क्योंकि उनके नज़दीक नहीं रह सकते हैं। सीता माता को क्या है, माँ के समान वो देखा करते थे, तो उनसे दूर रहा करते थे क्योंकि वो जब घर से निकले थे तो उन्होंने कसम खाकर निकले थे कि मैं अपनी माँ की हमेशा रक्षा करूँगा। I pray that everyone's wishes over here comes true. यहाँ 11 वर्ष 6 महीने 27 दिन भगवान का वास था चित्रकूट में। चित्रकूट चिंता हरण आए सुख के चैन, पाप कटे युग चार के देख कामता नैन। कामन नाथ जी के मात्र दर्शन मात्र से चारों युगों के पापों का नाश होता है। धर्म की जीत हुई है अधर्म को हरा करके। जब लंका में मेघनाथ का वध करना था, भगवान लखनलाल जी यहाँ पर चित्रकूट में तप किए हैं, ना भोजन किए हैं, ना ही शयन किए हैं और ना ही नारी के मुख देखे हैं। चित्रकूट में 11 साल 6 महीना 27 दिन रहे हैं, उसके बाद 2 साल में जाकर के पूरे ही यात्रा किए हैं। पंचवटी से माँ जानकी का हरण हुआ है, तो उसके बाद मेघनाथ को वहाँ अंत किए हैं। आपको पीछे भरत मिलाप मिला होगा, वहाँ पर जब भरत जी की सेना आई है चित्रकूट में भगवान राम जी से मिलने, भगवान राम और भरत जी का वहाँ पर मिलाप हुआ था, भरत मिलाप के नाम से जाना जाता है। जब लखनलाल जी से यहाँ मिलने आए थे तो वही बाहर जो आप देख रहे हैं कि खंभा भी बैठे जाते हैं, आगे में लखनलाल जी भरत जी का है, पीछे में लखनलाल जी के भरत जी का है, के अंदर ये मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, हजारों वर्ष पुराना है। उसके पश्चात यहाँ से जाकर के पीछे अपना मन्नत मांगते ईटे हैं क्योंकि उसमें अपना मन्नत करते हैं। चित्रकूट की रामराज आओ परिक्रमा की धूल, जापड़ पड़ शरीर में पाप जाए सब दूर। रामघाट चित्रकूट के मंदाकिनी नदी के किनारे बना हुआ एक सुंदर घाट है। इस घाट के किनारे आपको बहुत सारे मंदिर देखने मिलेंगे, काफी सारे सुवेनिर शॉप्स है and you can also enjoy a boat ride. चित्रकूट का जो हृदय स्थल है, जैसे हमारे शरीर में जो हृदय बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, उसी प्रकार चित्रकूट का ये रामघाट जिस जगह आप बैठे हैं ये हृदय स्थल है। इस जगह पर ही भगवान जब वनवास के टाइम पर आए थे तो यही वही रामघाट है जिस जगह भगवान ने सबसे पहले स्नान किया था, और अपने रहने के लिए यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर है, उनका नाम है मत्त गजेंद्रनाथ। चित्रकूट के वो राजा हैं, उन्हीं से उन्होंने इस रामघाट पर आज्ञा ली कि हम आपके चित्रकूट में रहना चाहते हैं, हमको कोई स्थान बताइए। तो यहीं पर जो मत्त गजेंद्रनाथ शिव जी हैं, उन्होंने जो कामतगिरी पर्वत है यहाँ पर, उस पर्वत पर रहने की उनको आज्ञा दी थी। ये वही रामघाट है जिस रामघाट पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था और हमारी सृष्टि की रचना हुई थी, जहाँ से सप्त ऋषि प्रकट हुए थे। ये वही रामघाट है जब भरत जी राम जी को मनाने चित्रकूट आए थे तो सबसे पहले वो रामघाट पर आए और रामघाट पे ही उनको आज्ञा मिली कि भगवान कामतगिरी पर्वत पर रुके हैं। ये स्थान चित्रकूट का हृदय स्थल है, जहाँ से मां मंदाकिनी का प्रवाह होता है, जहाँ पर बड़े बड़े संत ऋषि मुनि आज भी स्नान करने आते हैं। और ये वही रामघाट है जो अभी कलयुग की घटना 450 साल पहले भगवान श्री राम जी ने तुलसीदास जी को तिलक लगाकर अपने दिव्य रूप का दर्शन कराए थे। चित्रकूट में राम जी से जुड़ी हुई
काफी सारी प्लेसेस तो है ही, लेकिन यहाँ पर तुलसीदास जी द राइटर ऑफ रामचरितमानस आल्सो स्पेंट हिज एंटायर लाइफ इन चित्रकूट एंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ रामचरितमानस इज स्टिल प्रिजर्वड हियर इन चित्रकूट। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी इट, सो लेट्स गो एंड हैव अ लुक। तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ रामचरित मानस और हनुमान चालीसा इन्होंने लिखे थे और उनका जन्म यहीं पर हुआ था। माता हुलसी ने इसी कमरे के अंदर तुलसीदास जी महाराज जी को जन्म दिया था। जैसे हमारे आप लोगों के यहाँ कोई बालक होता है तो उसकी नाल उसी कमरे में गाड़ दी जाती है, उसी तरह इस कमरे के अंदर स्वामी जी की नाल गड़ी हुई। सम्मत 1631 करो कथा हरि पद धर सीसा, नवमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी ये चरित प्रकाशा। चैत सुदी नवमी दिन मंगलवार को ठीक 12 बजे अयोध्या जी में राम जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा और ठीक 12 बजे बाबा रामचरितमानस लिखना शुरू कर रहे हैं। अवंत काशी में किए हैं, यहाँ लिखे, चित्रकूट में लिखे, प्रयाग में लिखे, वो तो 24 घंटे अपने पास रखते थे और जहाँ समय मिलता था वहीं लिखते थे। तुलसी बाबा अगर न होते तो राम जी को कोई नहीं जानता। एक कवि ने लिखा है कि चित्त को चकित करने का चमत्कार एक रामचरितमानस, चित्त को चकित करने का चमत्कार एक, बसीभूत करने का मंत्र न्यारा है। आर्य धर्म वाल्मीकि जी को कहा गया है, आर्य धर्म ध्वस्त देख धरनी तल में, सत्य ही विधर्मियों से तुमने उबारा है, किंतु राघव विचार कर संकुचित होगे तुम, तुलसी ने आज तुम्हें अमर बनाया। अगर बाबा हमारे रामचरितमानस की रचना न करते तो आने वाली पीढ़ी राम जी को भूल जाती। ये तुलसीदास जी महाराज जी के हाथ का लिखा हुआ 450 साल का हो रहा है, हुआ नहीं है, हो रहा है 50। उनकी तो मान्यता है कि जब तक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी रहेगी राम कथा चलती ही रहेगी, और राम कथा बराबर चल रही है, अनवरत चल रही है। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरखहि सुख बारी।